नमस्कार, आप देख रहे हैं जे9 न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आपको बता दे, किसान यूनियन द्वारा संपूर्ण भारत में एक दिवसीय बंद का ऐलान करने के बावजूद में भी आसपास में देखने को लगा इसकी असर, जो कि लगभग बहराइच शहर में बड़ी दुकानें सब बंद रहे। और आपको बता दें, हमारे साथ संवाददाता अब्दुल कादिर जी जुड़ चुका, हम बात करना चाहेंगे क्या स्थिति बने हुए हैं। अब्दुल भाई, जरा ये बताइए कि आज संपूर्ण भारत में किसान यूनियन द्वारा जो आंदोलन किया गया, जो बंद का ऐलान किया गया, क्या स्थिति बना हुआ है आपका बहराइच में? जी, मैं आपको बताऊं कि किसानों द्वारा जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, उसके समर्थन में बहराइच जनपद की अधिकतर दुकानें बंद है। फुट फुट दुकानों को छोड़ करके बाकी करीब करीब सारे प्रतिष्ठान बंद, अभी तक बंद है। अच्छा, प्रशासन क्या प्रतिक्रिया नजर आ रहे हैं? प्रशासन द्वारा फोर्स के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चौराहों पर, सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही है। फिलहाल अभी कांग्रेस भवन के सामने पुलिस ने पहुंच करके बैरिकेडिंग कर दी है कि कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस के लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे। उनको रोकने के लिए पहले से बैरिकेडिंग कर रही है। अच्छा, यहाँ किसान यूनियन का क्या प्रतिक्रिया नजर आ रहा है आपका बहराइच में? किसान यूनियन के लोग भी अभी आ सकते हैं, जैसा कि उन लोगों ने बताया है, लेकिन अभी कोई दिखाई नहीं दिए है। अभी तो 11 बजा हुआ है, हो सकता है कि अभी वो सड़कों पर वो भी उतरे। आप बराबर हमारे साथ बने रहिएगा और पूरी तरह से आज आपका बहराइच की पर्सनल अपडेट जे9 न्यूज चैनल पे देते रहिएगा। तो आपको हम बताना चाहेंगे, ये स्थिति बना हुआ है, प्रशासन पूरी मुस्तैद में है और पूरे शहर को बैरिकेडेड करके रखा हुआ है। और हमारा संवाददाता आज एक भ्रमण पे निकला है, छुटपुट दुकानें खुली नजर आ रहे और प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट है। किसी भी तरह की कोई भी संगठन रोड पे ना उतर पाई, ये दिशा है। अच्छा, ये बताइए, अभी वहाँ का डीएम का क्या कोई प्रतिक्रिया नजर आया है? डीएम द्वारा अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई है, क्योंकि अभी लोग सड़कों पर नहीं आए हैं। उनको रोकने के लिए पहले से ही पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ तक के कांग्रेस का कार्यालय के सामने उनके द्वारा